नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा वर्ण लेपन बंध विधि अध्याय, जो कि शुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 18वां अध्याय है। और इसमें क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय को। तो सबसे पहले बात आती है श्लोका नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा, आलेप आद्य उपक्रम। आलेप जो है वो आद्य उपक्रम है। आद्य उपक्रम किसको बोला गया है? आलेप को। फिर क्या बोला गया है आलेप के बारे में? एष सर्व शोफा नाम सामान्य प्रधानतमश्चय। प्रधानतम भी बोला गया आलेप को और सामान्य सर्व शोफा नाम, सभी शोफों में सामान्य बोला गया है। फिर बात की जाए बंध के बारे में, बोला गया है बंध प्रधानम। बंध जो है वो प्रधान बोला गया है, और प्रधानतम कौन बोला गया है? आलेप को। और बंध को प्रधानम बंध। और फिर क्या बोला गया है बंध के बारे में? तेन शुद्धिर वर्ण रोपण अस्थि संधि स्थैर्यम चय। तेन शुद्धिर वर्ण रोपण अस्थि संधि स्थैर्यम चय मीन्स, अगर आपसे श्लोका पूछ लिया जाए, श्लोका दे दिया जाए आपको, फिर पूछ लिया जाए किसके बारे में बोला गया, आलेप के बारे में, बंध के बारे में, तेन शुद्धिर वर्ण रोपण अस्थि संधि स्थैर्यम चय, तो ये किस लिए बोला गया है? बंध के बारे में बोला गया है। फिर जो है आलेप को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए उसके बारे में बोला गया है, तत्र प्रतिलोमम आलिंपने। प्रतिलोम दिशा में जो है हमें उसका जो है आलेप को लगाना चाहिए। प्रतिलोम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारे रोमकूप है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमें आलेप करना चाहिए। वर्ण मीन्स एक टाइप से वाउंड, और लेप मीन्स एक टाइप से हम स्टरलाइजेशन करते हैं, एक टाइप से मेडिसिन है जो कि वहां पे उसको रोपण करती है, हीलिंग जल्दी कर देती है। और बंध जो है, बंद एक टाइप से बैंडेज है। और फिर जो है बात की जाए इसमें प्रतिलोम दिशा में लगाने का फायदा क्या होगा, जो औषध है वो अच्छे तरीके से हमारे रोमकूप है उनमें चली जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। और क्या बोला गया है, सम्यक औषध अवतिष्ठते अनुप्रविशते रोमकूपान स्वेदवाहश्च। स्वेदवाही जो रोमकूप है उनमें चली जाएगी और शिरामुख वीर्यम प्राप्नोति, शिराओं के मुख को प्राप्त हो जाएगी वो, शिरामुख के जो वीर्य है उनको प्राप्त हो जाएगी। फिर बात की जाए शिरामुख को प्राप्त होकर उनको जो है बलवान बलवत एक टाइप से दृढ़ता प्रदान करेगी। फिर क्या करना चाहिए, आलेप को सूखने नहीं देना चाहिए। आलेप लगा लिया फिर उसको जो है सूखने नहीं देना चाहिए। सूखने और एक एक ऐसी सिचुएशन बताई है जिसमें आलेप को सुखाना चाहिए, जिसमें पीड़न कर्म करना है, अन्यत्र पीड़ितवात, यानी पीड़न कर्म जिसमें करना होता है उसमें जो है हम आलेप को सुखा सकते हैं। और पीड़न कर्म मीन्स जैसे किसी में पस भरी हुई है, उसको पीड़न करना है, उसको ऐसे निकालना है पस को, तो उसमें जो है हम आलेप को सुखा सकते हैं। फिर बात की जाए इसमें त्रिविध टाइप के लेप बताए हैं, तत्र त्रिविध है प्रलेप प्रदेह आलेप, प्रदेह प्रलेप आलेप। फिर इसके गुण बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके गुण, प्रलेप शीतस्तनुर अविशोषी विशोषी च। प्रलेप शीतस्तनु अविशोषी विशोषी च। अविशोषी मीन्स सूख भी सुखा भी सकते हैं और नहीं भी सुखा सकते, सूखा भी हो सकता है और नहीं भी सुखा सकता, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, शीतस्तनु प्रलेपः शीतस्तनु अविशोषी विशोषी च। फिर बात की जाए इसमें प्रदेह तु उष्ण है शीतो वा बहुलर बहु बहुलर बहु विशोषी अविशोषी च, बहुल बहुर अविशोषी च। ये इसकी जो लाइनें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर बात की जाए इसमें आलेप के लिए, रक्तपित्त प्रसाद कृत आलेप, रक्तपित्त प्रसाद करने वाला जो है वो आलेप कहलाया है। और फिर जो है प्रदेहो वात श्लेष्म प्रशमन, प्रदेह के बारे में जो है वात श्लेष्म प्रशमन कहा गया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है श्लोका नंबर 7 की। और रक्तपित्त प्रसाद कृत जो है वो आलेप है, और वात श्लेष्म प्रशमन कौन है? प्रदेह। और शताशतेषु यानी कोई भी वेदना हो या फिर चोट लग जाए कहीं पे, व्रण हो जाए, शताशतेषु, शता अशतेषु, शत में यानी चोट लगने पर भी या फिर चोट ना भी लगे तो भी जो है हम प्रदेह का जो यूज कर सकते हैं। कई वाउंड होते हैं जो आघात से उत्पन्न होते हैं, कई वाउंड होते हैं जो बिना आघात के जो है उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर उसमें जो है हम प्रदेह का यूज कर सकते हैं, वात श्लेष्म प्रशमन। फिर यस्तु शतेषु उपयुज्यते सह भूय कल्क इति संज्ञा निरुद्ध लेपन संज्ञा लभते, निरुद्ध लेपन संज्ञा। और अगर हम शत में जो है कोई भी शत है, शत में अगर हम कोई भी चोट लग जाती है तो उसमें जो है आघात से उत्पन्न अगर चोट है तो उसमें हम कल्क लगाते हैं और निरुद्ध लेपन लगाते हैं, तो उसको भी जो है ये दो वर्ड बताए हैं, कल्क और निरुद्ध लेपन भी जो है प्रदेह से हम कोरिलेट कर सकते हैं। कल्क लगा सकते हैं वहां पे शत में
और ये श्लोका 7th में ही दिया गया है। यस्तु शतेषु उपयुज्यते स भूय कल्क इति संज्ञा निरुद्ध लेपन लभते निरुद्ध लेपन इति संज्ञा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शताशतेषु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीजीटी लेवल के लिए। और फिर बात की जाए अष्टांग संग्रह कार ने दो प्रलेपादिकों की परिभाषा के लिए विरुद्ध बताए हैं। मीन्स इसमें जो है अष्टांग संग्रहकार जी ने जो है सुश्रुत ने जो बताया है प्रलेप के बारे में, आलेप के बारे में, उसके अपोजिट बतलाया है अष्टांग संग्रहकार जी ने। क्या बताया है देखिए, यस्तु शीतस्तनु मुहुर मुहुर चय परयुज्यते स प्रदेहो रक्त पित्त त्वचाम प्रसाद कृत। जो शीत स्तनु मुहुर मुहुर परयुज्यते स प्रदेहो रक्त पित्त त्वचाम प्रसाद कृत, प्रदेह के लिए बोला गया है रक्त पित्त प्रसाद कृत। और पहले हमने पढ़ा सुश्रुत में रक्त पित्त प्रसाद कृत आलेप, आलेप के लिए बोला गया था रक्त पित्त प्रसाद कृत। और फिर जो है प्रलेप स्तु उष्ण शीतो वा बहुलश्च तथा वात श्लेष्म प्रशमन। प्रलेप के बारे में बोला गया है, प्रलेप के बारे में क्या बोला गया है, शीतो वा बहुलश्च वात श्लेष्म प्रशमन। वात श्लेष्म प्रशमन हमने सुश्रुत संहिता देखा वो प्रदेह के लिए बोला गया था, पर इसमें प्रलेप के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो गया। अष्टांग संग्रहकार जी ने बिल्कुल अपोजिट बोला है, सुश्रुत जी ने जो बोला है उसके अपोजिट। और फिर जो है इसमें नेक्स्ट श्लोका में देखोगे आप, श्लोका नंबर 8 में अविदग्धेषु शोफेषु हितम आलेपनम भवेत, अविदग्धेषु शोफेषु हितम आलेपनम भवेत। जो अविदग्ध शोफ है उसमें जो है आलेपन जो है हितकारक कहा गया है। अविदग्धेषु शोफेषु हितम डैश आलेपनम डैश भवेत, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अविदग्धेषु शोफेषु हितम डैश भवेत तो आलेपनम भवेत, तो ऐसे क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से। और फिर जो है त्वक प्रसादनम एव अग्रयम मांस रक्त प्रसादनम, ये नेक्स्ट श्लोका में मिलेगा आपको। त्वक प्रसादनम एव अग्रयम, त्वक प्रसादन में अग्रय है और मांस रक्त प्रसादन करता है। और मर्म देशु ये रोगा गुहेश्व अपि तथा निर्नाम, मतलब मर्म देश में अगर जो है रोग उत्पन्न हुआ है, गुह्य प्रदेश में अगर जो है वर्ण उत्पन्न हुआ है तो उसमें जो है हम आलेप कर सकते हैं। फिर बात की जाए षड भागम पैतिकम, अब इसमें जो है स्नेह की मात्रा कितनी ली जाए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आलेप में स्नेह की मात्रा कितनी ली जाए तो पैतिक वर्ण है, पितज दृष्टि से अगर कोई वर्ण हुआ है तो उसमें आलेप में जो है 1/6 भाग जो है हम स्नेह लेंगे। अगर उसमें वातिक वातिक अगर शोफ उत्पन्न हुआ, वातिक वर्ण उत्पन्न हुआ है तो उसमें कैसा कितना स्नेह लेंगे, 1/4 भाग, 1/4 भाग स्नेह लेंगे। और अगर वो कफज अगर वर्ण है तो उसमें 1/3 भाग जो है हम स्नेह 1/8 सॉरी 1/8 भाग जो है हम स्नेह लेंगे, 1/6 1/4 और 1/8 जो है भाग हम स्नेह लेंगे पैतिक वातिक और कफज में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए AIA PGT लेवल के लिए। फिर बोला गया है उक्त आलेप की मोटाई भैंस के गीले चरम के बराबर बोली है, यानी क्या बोला गया तस्य प्रमाणम, यानी आलेप की जो मोटाई है वो कितनी रहेगी, आद्र माहिष चर्म उपदिशंती, जो गीला चर्म है माहिष का यानी भैंस का जो गीला चर्म है यानी गीला मांस है उसकी मोटाई के समान जो है उसकी मोटाई रहेगी आलेप की, प्रलेप की। और फिर जो है आलेप फिर रूल्स बताए हैं न च आलेपम रात्रो पर्युञ्जत, ये मेनली चरक प्रमाण के लिए, आलेप के प्रमाण के लिए चरक जी ने क्या बताया है, चरक केतु चरके तू त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रम, त्रिभाग यानी अंगुष्ठ का 1/3 भाग जो है वो उसके समान जो है प्रलेप कल्क पेशित है, उसका प्रलेप का जो कल्क है आलेप का जो कल्क है उसको पेशित करना चाहिए, लगाना चाहिए पिष्ट 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 रूप में जो कल्क है उसको लगाना चाहिए। और उसमें जो है नेक्स्ट आपको षडंगदर अनुसार जो है याद रखने हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठे हुए हैं। दोष घन लेप जो रहेगा वो 1/4 अंगुल मोटाई का रहेगा, दोष घन लेप लिख लीजिए, दोष घन लेप 1/4 अंगुल मोटाई का रहेगा। और विष घन लेप जो है 1/3 अंगुल मोटाई का रहेगा। और बात की जाए वर्ण कर लेप जो है वो हाफ अंगुल मोटाई का रहेगा, वर्ण कर लेप हाफ अंगुल मोटाई, और विष घन लेप कितने अंगुल मोटाई, 1/3 अंगुल मोटाई, और दोष घन लेप जो है 1/4 अंगुल मोटाई का रहेगा। नेक्स्ट में तो फिर नैच पर्युषित, पर्युषित नहीं लगाना चाहिए, और बार बार अगर हमने लेप लगा लिया तो उस पे ही जो है बार बार हमने लेप नहीं लगाना, उसको वॉश करके दूसरा नया लेप लगाना है। और जो हमने लेप बना लिया एक बार में उसको यूज कर लिया तो उसको सेम को बार बार यूज नहीं करना, नेक्स्ट डे भी आप उसी लेप को यूज कर रहे हो तो मेनली उसमें क्या करना है, उस क्यों नहीं करते उसको, क्योंकि वो शुष्क हो जाता है, शुष्क भाव आ जाता है उसमें और नीवीर्य हो जाता है, शुष्क भाव आता नीवीर्य। अब बात की जाए इसमें जो है वर्ण बंधन के द्रव्य बताए गए हैं, तो इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है,
तुल फल यूज किया गया है, एक फल यूज किया गया है संतानिका, संतानिका मीन्स मलाई यूज की गई है, और क्या यूज किया गया है, लो आदि धातुएं यूज की गई हैं, जो हमारी स्वर्ण रजत ताम्र ये आदि धातुएं जो है यूज की गई है बंधन के लिए। फिर वर्ण बंधन के लिए मैंने एक टाइप्स जो है 14 टाइप्स सुश्रुत अनुसार मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप वहां पे जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप याद कर सकते हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन करवाया है वहां पे, कैसी कैसी उसकी बैंडेजिंग होती है, कैसी कैसी पट्टियां होती है, तो वो विजुअलाइजेशन करवाया है वहां पे, आप जाके देख सकते हैं मैं आपको, या फिर तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वैसे तो अगर नहीं मिलता तो आप प्लीज वहां पे जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फिर जो है वर्ण बंधन के 14 टाइप बताए हैं सुश्रुत जी ने, और वाग्भट जी ने कितने बताए हैं, 15। 15 में जो है 14 तो सुश्रुत अनुसार ही है, और एक जो है उत्संगी उत्संग बंध बताया है, जो कि बाहु पर जो लगाया जाता है उत्संग बंध वाग्भट जी ने। फिर जो है चरक जी ने कितने, 2 बंध बताए हैं, वाम और दक्षिण बंध, वामम बंध और दक्षिण बंध 2 बताए हैं आचार्य चरक जी ने। और फिर बात की जाए इसमें नोट यानी यंत्रणा वर्ण बंध जो है, मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखी है उसके लिए स्पेशली। और फिर जो है यंत्रणा, यंत्रणा मीन्स नोट, गांठे लगाते हैं, तो यंत्रणम उधर्व अधः तिर्यक, तीन तीन टाइप के नोट हैं, उधर्व अधः तिर्यक। तो फिर क्या करना है, उसमें वर्ण स्थान पर मोटी कवली का यानी कॉटन रोल रख देना है उसपे, और फिर क्या करना है, पट्टी बांधनी है, फिर नोट लगा देना है, नोट मीन्स यंत्रणा, और फिर कवली का मीन्स कॉटन रोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है फिर बात की जाए इसमें स्टरलाइजेशन बताया, स्टरलाइजेशन में विकेशिका, विकेशिका मीन्स जो हमारा स्पिरिट होता है, जो हम बेटाडीन लगाते हैं मेनली प्रैक्टिकल में, अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर कोई औषध लगाते हैं वर्ण में, तो वो हमारा जो है विकेशिका कहलाता है। विकेशिका में फिर जो है ना अति स्निग्ध होनी चाहिए, कुछ इसके गुण बताए हैं, ना अति स्निग्ध होनी चाहिए अति स्निग्ध हो जाएगी, या फिर ना अति रुक्ष होनी चाहिए, अति स्निग्ध हो जाएगी तो क्लेश उत्पन्न करेगी, अति रुक्ष हो जाएगी तो घर्षण उत्पन्न करेगी, घर्षण उत्पन्न करने से जो है वेदना उत्पन्न करेगी, घाव उत्पन्न और बढ़ जाएगा वो, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है वर्ण बंध अकॉर्डिंग टू आयतन, आयतन अनुसार जो है वर्ण बंधन की 3 टाइप हैं, गाढ़ सम और शिथिल बंध, और हम आगे देश दोषानुसार भी देखेंगे। गाढ़ बंध कौन सा रहेगा, जो पीड़ा उत्पन्न नहीं करेगा, बांध दिया हमने बहुत ज्यादा टाइट बांध दिया, गाढ़ बंध में टाइट बांधना, तो किसी भी वर्ण पे जो है हम टाइट बांध देंगे तो वो पीड़ा उत्पन्न नहीं करना चाहिए पहले तो। और फिर जो है उच्च श्वास शिथिल है स्मृत है, उच्च श्वास यानी सांस लेने से जो भी हिल जाए वो जो बंधन है वो शिथिल बंध कहलाएगा। फिर जो है न एव गाढ़ो न शिथिल है, न एव गाढ़ो न शिथिल है मीन्स न एव गाढ़ो, ना ज्यादा गाढ़ ना ज्यादा शिथिल, वो क्या कहलाएगा, समम समम समो बंध, वो कहलाएगा समबंध, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा गाढ़ ना ज्यादा शिथिल, तो ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा ढीला, तो ये दो स्थान अनुसार बंध बताए हैं, स्थान अनुसार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीजीटी के लिए। स्विकुक्षी कक्षा वंक्षण उरु शिर सुगाढ़, स्विकुक्षी ये श्लोका नंबर आपको 25 में मिलेगा, स्विकुक्षी कक्षा वंक्षण उरु शिर सुगाढ़, यानी स्विक कुक्षी कक्षा वंक्षण, वंक्षण में मेनली जो है हम आपने ऐसे वंक्षण में जो हमारे जेनाइटल्स हैं वैसे तो हम उस पे जो है सोचेंगे कि शिथिल बंध लगाना चाहिए, पर उसमें जो है गाढ़ बंध लगाया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंक्षण वंक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसमें मेनली ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके स्थान यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। फिर शाखा वदन कर्ण कंठ मेढ्र मुष्क पृष्ठ पाशर्व उदरसु सभय, और इनमें जो है शाखा वदन और कर्ण कंठ मेढ्र मुष्क उदर पाशर्व, तो इनमें जो है हमें संबंध लगाना है। और फिर अक्षणों अक्षणों संधिषु यानी जो नेत्र हैं, ओनली ये सिमिल ये छोटा सा ही है, नेत्र में जो है नेत्र संधियों में जो है उसमें जो है हमें शिथिल बंध लगाना चाहिए, तो ढीला ढाला सा। और फिर दोषानुसार जहां पे पैतिक वर्ण हो रहा है, पैतिक वर्ण में क्या करना चाहिए, जहां पे हमें गाढ़ बंध लगाना है वहां पे हमें सम बंध लगाना है, ठीक है, पैतिक वर्ण हो गया तो उस पे जहां पे हमें टाइट बंध लगाना है जिस भी स्थान पे जो हमने स्थान पहले बात की, तो वहां पे अगर पैतिक वर्ण हो गया जहाँ फिर हमें गाढ़ बंध लगाना था वहां पे, तो पर उसमें क्या कौन सा बंध लगाएंगे, संबंध, और जहां पे संबंध लगाना है वहां पे शिथिल बंध लगाएंगे, ठीक है, ढीला, और जहां पे शिथिल बंध लगाना है वहां पे लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। और ये सिमिलर है शोणित दुष्टि में, अगर शोणित दुष्ट यानी रक्त की दुष्टि से अगर वर्ण हुआ है तो भी सिमिलर रहेगा,
और पैतिक वर्ण के अनुसार। फिर श्लेष्मिक और वातिक वर्ण में क्या रहेगा, शिथिल स्थान पे हमें संबंध लगाना है, संबंध के स्थान पे गाढ़बंध लगाना है, गाढ़बंध के स्थान पे और भी ज्यादा गाढ़बंध लगाना है। तो ये आपके लिए दोषानुसार बंध है। फिर कालानुसार बंध बताए हैं, पैतिक वर्ण हो रहा है, पैतिक वर्ण में कौन सी ऋतुएं हैं, शरद और ग्रीष्म ऋतु में जो है हमें 2 बारी जो है पट्टियां चेंज करनी चाहिए दिन में। इसमें लिखा गया है द्विर अहनो बंधनियात, मीन्स दिन में 2 बारी पट्टी चेंज करेंगे, 2 बारी बंधन को चेंज करेंगे ग्रीष्म और शरद ऋतु में। ठीक है, शरद और ग्रीष्म ऋतु में पैतिक वर्ण हो रहा है तो। और ये ऐसा ही सिमिलर जो है हमें रक्त की दुष्टि में, रक्त दुष्टि में अगर वर्ण हुआ है तो उसमें भी सिमिलर प्रोसीजर करना है। और श्लेष्मिक श्लेष्मिक और वातिक वर्ण हुआ है तो उसमें क्या करना है, हेमंत और वसंत ऋतु, हेमंत और वसंत ऋतु में हमें जो है हर तीन तीसरे दिन में जाके जो है हमें पट्टी बदलनी है, तीसरे दिन खोल कर बांधना चाहिए। ठीक है, तीसरे दिन जो है पट्टी जो है वो खोल के दोबारे बांधनी चाहिए तीसरे दिन में, ये कफ दृष्टि में अगर वर्ण हुआ है तो। उसमें फिर ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काल भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ऋतुएं कौन सी बताई हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए आप, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर जो है बात की जाए हिंदी में ध्यान रखना है, हिंदी में ध्यान रखना है जहाँ पे, जैसे सम शिथिल बंध बांधने की जगह गाढ़ बंध बांधा जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाढ़ बंध बांध दिया तो वहां पे शोथ वेदना पाक हो जाएगा। ठीक है, वर्ण में ठीक है, और गाढ़ गाढ़ और सम बंध की जगह हमने शिथिल बंध बांध दिया तो वहां पे निरर्थक रह जाएगी, वो निरर्थ हो जाएगी, क्योंकि वो वर्ती लगाई है हमने, विकेशिका लगाई है, वो खुल जाएंगी निकल जाएंगी तो वो निरर्थक हो जाएगी। और जहाँ पे हमें और गाढ़ और शिथिल बंध बांधने के, जहाँ पे हमें गाढ़ और शिथिल बंध बांधना था वहां पे हमने सम बंध बांध दिया तो फिर वहां पे निरर्थक रहेगी, वो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो मेनली ये ध्यान रखना है अपने को, कहाँ कहाँ पे हमें गाढ़ बंध लगाना है, कहाँ पे सम, कहाँ पे शिथिल। और फिर जो है बंधन के अयोग्य बताए हैं, ए बंध्या पित्त रक्त अभिघात विष निमित्ता, पित्त रक्त अभिघात, पित्त रक्त से पित्त रक्त की दुष्टि है, या फिर अभिघात से उत्पन्न हुआ है, या फिर शोफ दाह पाक राग तोद वेदना अभिभूता, शोफ दाह पाक राग तोद वेदना अभिभूता, शोफ दाह पाक राग तोद वेदना अभिभूता, इनमें जो है। और शार अग्नि दग्धा, शार अग्नि से दग्ध है और पाकात पाक उत्पन्न हो गया है, प्रकोप, अगर हमने इसमें अगर बंधन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मांस है इनमें जो है शार अग्नि से दग्ध हो जाता है तो फफोले टाइप से हो जाते हैं, स्किन जो है पतली हो जाती है, और मेनली जो है मांस जो है, वो शीर्ण होकर गिरने लग जाता है टूट टूट के, तो उसमें जो है हमें बंधन नहीं बांधना चाहिए, बंधन के अयोग्य कहलाए हैं, शार अग्नि से दग्ध और शोक दाह पाक राग तोद वेदना बहुत ज्यादा है तो उसमें भी नहीं करेंगे, और पित्त रक्त की दुष्टि है तो उसमें भी नहीं करेंगे बंधन। और कुछ और सिचुएशंस बताई हैं, जैसे कुष्ठ, कुष्ठ अग्नि दग्धा नाम, कुष्ठ है, कुष्ठ के जितने भी घाव हैं या फिर अग्नि से दग्ध अगर वर्ण है, और पीड़िका मधुमेह नाम, मधुमेह से उत्पन्न अगर पीड़िका है तो भी उसमें जो है हम बंधन नहीं करेंगे। और कणिकाश्च उन्द्रु विषे, कणिका उत्पन्न हो गई है कोई कील टाइप से अगर वर्ण में उत्पन्न हो गई है तो उसमें भी जो है बंधन नहीं करेंगे। और उंद्रु विषे यानी जो चूहे का जो विष होता है उसने काट लिया है चूहे ने तो उसमें भी जो है बंधन नहीं करेंगे। और विष जुष्ट वर्णाश्चय, विष जुष्ट यानी विष्ट, विष्ट से विष भी जो है, विष जहाँ पे वर्ण हो गया है वहां पे विष अभी भी है, विष से अगर उत्पन्न हुआ है या फिर विष वहां पे लगा हुआ है वर्ण पे तो हमें बंधन नहीं करना चाहिए, पहले वॉशिंग करनी चाहिए। मांस पाके ने बंधनीयते बंध्यन्ते, मांस पाक में और गुद पाक में जो है हमें बंधन नहीं करना चाहिए, अयोग्य कहलाए गए हैं। और फिर जो है वर्ण बंधन विधि बताई गई है, नॉर्मल है, हमें पहले पहले क्या करना है, वहां पे आलेप करना है विकेशिका पट, और मेनली विकेशिका, और विकेशिका कैसी होनी चाहिए, नात स्निग्ध, वो मैंने गुण पहले बता दिए हैं आपको। और फिर जो है अगर बहुत ज्यादा स्निग्ध यूज कर ली तो उसमें क्लेद उत्पन्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा रुक्ष कर ली तो घर्षण उत्पन्न हो जाएगा, नॉर्मल है ये तो, और नॉर्मल आपको इसकी हिंदी याद रखनी है। और फिर जो है पस निकालने की विधि बताई है, अगर पित्त और रक्त से अगर दुष्ट है, पित्त और रक्त से दुष्ट अगर वर्ण है तो उसमें पुए उत्पन्न हो रहा है तो उसमें कैसे निकालेंगे, एक बार में ही जो है पुए का निर्हरण करेंगे एक बार में ही, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कफ और वात से अगर दुष्ट है वर्ण तो उसमें जो है बार बारी जो है पुए का निर्हरण करेंगे बार बारी, और वो कैसे करेंगे, हस्त तल तले, क्या बोला गया है, तले प्रपीड़यत श्रावयेत अनुलोमन है, अनुलोम दिशा में, अनुलोम दिशा में यानी तल से जो है हमें पुए का निर्हरण करना है, अनुलोम दिशा में यानी प्रतिलोम दिशा में आलेप लगाना चाहिए और अनुलोम दिशा में जो है पुए का निर्हरण करना चाहिए, ठीक
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अंडरलाइन कर लें। फिर बंधन के योग्य बताए गए हैं, बंधन के अयोग्य देख लिए, बंधन की विधि देख ली, और अब बंधन के योग्य बताए गए हैं। बंधन जो वर्ण मांसल है, जो वर्ण त्वचा के अंदर हो, तो ये श्लोका नंबर 45 से 46 तक आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। ये च सयुर मास संस्था, मास मासगत है, त्वचागत है, तथा वर्णा संधे अस्थि कोष्ठ प्राप्त है, संधि अस्थि कोष्ठ में अगर प्राप्त वर्ण है, और शिरा स्नायुगत है अगर वर्ण, तथा अवगाढ़ गंभीरा, अवगाढ़ है गंभीर वर्ण है, तो उसमें भी जो है बंधन करना चाहिए। सर्वतो विषम स्थिता, विषम स्थित अगर वर्ण है तो उसमें जो है हमें बंधन करना चाहिए। ये जो वर्ण उत्पन्न हुए हैं मास त्वचागत संधि अस्थि कोष्ठ प्राप्तश्चय, तो इनमें जो वर्ण उत्पन्न हुआ है तो हमें जो है इसमें बंधन करना चाहिए, क्योंकि बंधन बिना बिना जो है ये क्योर नहीं होएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, यही एपीजीटी लेवल तक आज हमने देखा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से मेंशन करना। चलिए ठीक है जी, ओके।